गाइस, क्या आप भी अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं? तो भाई किस तरीके से आप कर सकते हो एसआईपी कैलकुलेट, वो टोटल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी। सो गाइस, मैं हूं नितिन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। से स्टार्ट करते हैं वीडियो के बिना किसी देरी के। सो गाइस, जैसे कि आपको साइड में दिख रही होगी हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो कर रही है, सिंपल से यहाँ पर आप क्लिक क्या करना है, ग्रो एप्लीकेशन में यहाँ पर ओपन कर लूंगा अपनी। ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन हो उसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैंने आपको दे दिया भाई, देने के बाद फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्या है भाई, ये जो आ चुका है भाई, यहाँ पर मैं ऑल म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगा जितने यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हाई रिटर्न होता है भाई, ठीक है। हाई रिटर्न में आप लगा सकते हो एसआईपी विद 100 रुपीज आप लगा सकते हो, ठीक है। टैक्स सेविंग लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और लार्ज कैप होता है उसमें बहुत ज्यादा आपका सेफ रहता है, मैं जो बता रहा हूँ ना लार्ज कैप, ठीक है, इसमें जो दे रखा है फोर्थ नंबर पे, वो बहुत ज्यादा सेफ होता है। उसमें आपका पैसा क्या है, ज्यादातर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लगा रहे हो ना, ठीक है, तो भी बेस्ट है। शॉर्ट टाइम के लिए इसमें भाई आपका कोई शॉर्ट टाइम के लिए ज्यादातर आप इसमें यूज कर सकते हो, वैसे जहां तक वहां तक मैं बताऊं, शॉर्ट टाइम के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाई रिटर्न में क्या है, हाई रिटर्न में रिस्क बहुत है, आपका पैसा डूब भी सकता है और ऊपर भी आ सकता है, इसमें ये चीज होती है, ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं क्या है अपनी वीडियोस बना बना के आपके लिए बताता रहूंगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें क्या है आपके लिए हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट क्या है सबसे पहले पहुंचेंगे। और कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन कौन से आपके डाउट्स है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला डाउट सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं पॉइंट सेल कैप जो है ना, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी में हम भाई ओपन कर लेते हैं क्वेंट स्मॉल कैप फंड में। ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपको इसका ग्राफ जो दिख रहा है ना, ये देख सकते हो 3 साल का भाई ग्राफ, 1 महीने का ग्राफ, ये देख सकते हो आप 1 महीने में कहाँ कहाँ तक गया है, ठीक है। 6 मंथ का अगर आपको देखा तो ये देख सकते हो ऊपर ही जा रहा है, 1 महीने में ये देख सकते हो यहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पर भाई डाउन आया बहुत, ठीक है, 12 फरवरी को, ठीक है, 12 फरवरी को जो मार्केट ये डाउन हुआ था ना, अभी फरवरी में मार्केट जब डाउन हुआ था एकदम से नीचे गिरा मार्केट, तब सबकी हालत खराब हुई थी, जिनका पैसा शॉर्ट टाइम के लिए लगा हुआ था ना उनका पैसा डूब गया। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर लगा होता है ना पैसा, उसमें क्या है धीरे धीरे अगर आप वहां पे भी आप नहीं छोड़ते हो, ठीक है, तो लेवल आपका बिल्कुल बराबर हो जाता है और आप वहां से मुनाफा भी प्रॉफिट भी कमाते हैं वहां से, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, ये देख सकते हो इस 1 मंथ में आपका ये चीज हुआ था, पिछले जो महीने निकल गया फरवरी का उसमें ये हुआ था भाई, इतना डाउन आया था भाई मार्केट। 5 ईयर्स का देख सकते हो आप रिजल्ट, है ना, ऑल रिजल्ट देखना चाहते हो ऑल भी ऑल पूरा देख सकते हो यहाँ पर ऑल ओवर, ठीक है, पूरा रिजल्ट यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। इसको देखने के बाद सिंपल से यहाँ पर क्या है एसआईपी, यहाँ पर देख सकते हो मेन एसआईपी 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, 500 लगा सकते हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो 1000 वाले भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है फंड कलेक्ट हो चुका है भाई, कितना फंड साइज कितना हो चुका है भाई इसका, 15 करोड़ देख सकते हो, 15 करोड़ लिख के आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है रिटर्न कैलकुलेटर, सिंपल सा इस पे क्लिक कीजिए। रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर आपके लिए क्या करना है भाई, 1 साल के लिए अगर आप 1000 रुपए लगाते हैं, इसमें क्या है परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, 18% मिल सकता है, 34% मिल सकता है, 16% मिल सकता है, 46% भी मिल सकता है, ठीक है, 46.36 भी मिल सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक चीज आपको जरूर देखनी चाहिए कि भाई उसका जो टैक्स वगैरह कटता है वो कितना कट रहा है इसमें टैक्स, उसको आप जरूर से देखिएगा। अगर 0.2 कट रहा है, 0.1 कट रहा है, या फिर 0.3 कट रहा है ना, तो 0.5 भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से लगा दीजिए। अगर इससे ऊपर कट रहा है, ठीक है, या फिर 1 रुपया कट रहा है, या फिर 2 या फिर 3% अगर काट रहे हैं, 2% कट रहे हैं, तो भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब आपका अमाउंट जा सकता है, परसेंटेज को आप देख करके लगाइएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई 3 इयर्स का यहाँ पर देख सकते हो, 5 इयर्स में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, 5 इयर्स में। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, मंथली एसआईपी अगर आप लगाते हो, ठीक है, मंथली एसआईपी अगर आपने लगाई, सिंपल से क्या मंथली आप क्या है जैसे 5 साल है, ठीक है, 5 इयर्स है, आपने 5 इयर्स के लिए लगाया पैसा, आप कितना लगाया 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए जो आप लगा रहे हो वो क्या है 5 साल तक, अगर मंथली अगर आपने लगाया ना तो 5 साल तक क्या है हर महीने आपको 1000 रुपए कटवाना पड़ेगा उसमें। बैंक अकाउंट को आप यहाँ पे रीडायरेक्टली
ज्वाइन कर सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर दीजिए इसमें बैंक अकाउंट के लिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पर पैसा आपका कटता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डे आपको कटवाना पड़ेगा, सिंपल से क्या है वहां पर इस चीज को आप अप्लाई कर दीजिए आराम से, पूरा का पूरा जितना ही पैसा होगा ना, 60,000 रुपए हुए आपके 1,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 60,000 आपके हुए 1,000 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर क्या है भाई वो टोटल जितना अमाउंट होगा ना हर महीने जो डेट आप फिक्स कर देंगे उसमें, उसी डेट पे वो आपका पैसा कटता रहेगा, लेकिन बैंक अकाउंट में आपका पैसा होना चाहिए, ठीक है। एटीएम कार्ड से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, जो भी आपका फैसिलिटीज है उससे आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर क्या है 5 ईयर्स का मैंने लगाया, तो 5 ईयर्स में हमारा क्या है जो भी इसकी परसेंटेज हो उसके हिसाब से इसने कैलकुलेट करके हमको दे दिया है, कितना दे दिया है यहाँ पर मंथली के हिसाब से अगर हम ऐसा भी लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना निकल गया है 60,000 रुपए भाई इन्वेस्ट हो रखा है पहले से, ठीक है 60,000 रुपए, और यहाँ पर भाई हमारा जो बैलेंस जो बना 5 साल के बाद जो बैलेंस बना हमारा वो टोटल बना 1,50,985, इतना अमाउंट हमारा बना, ठीक है। 168.3% इसने हमको दिया, ठीक है, 5 साल के अंदर इतना हमारा बन गया यहाँ पर। इतना बनने के बाद सिंपल सा क्या है यहाँ पर फंडा, अब दूसरी चीज आती है हमारी वन टाइम। अब वन टाइम में और मंथली एसआईपी में भाई क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, वो डिफरेंस ये चीज है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप वन टाइम लगाते हो तो एक टाइम जैसे मान लो आज तुमने अगर अपनी वो स्टार्टिंग करी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड की, आज तुमने क्या है उसमें पैसा लगाया किसी भी कंपनी में, ठीक है, जैसे मान लो यही कंपनी है हमारी, ठीक है, पॉइंट सेल कैप, ठीक है, सिंपल से इसी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो क्या है इसमें अगर हम पैसा लगाएंगे वन टाइम, यानी कि अगर आप लगाते हो वो 60,000 रुपए जो आपका टोटल हुआ था 5 साल का, ठीक है, 1,000 रुपए के हिसाब से, वो 60,000 रुपए तुम क्या है एक ही बार में अगर आप लगाते हो, एक ही बार में आपने 60,000 रुपए को डाल दिया, जैसे मान लो एक ही दिन में अगर आपने डाल दिया ना, जैसे कि 60,000 यहाँ पर ये हो गया 60,000, ठीक है, 60,000 वन टाइम, सिर्फ मतलब एक ही बार में अगर आपको डालना है, जैसे आज तुमने स्टार्टिंग करी तो आज ही भैया आपने ये 60,000 रुपए लगा दिए 5 साल के लिए होल्ड कर दिया, ठीक है, 5 साल के लिए होल्ड करने के बाद सिंपल सा जो 5 साल के बाद आपका रिटर्न जो बन के आएगा, देख सकते यहाँ पर ये दिख रहा है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000, ठीक है, एक टाइम में आपने किया है वन टाइम, जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया था, और यहाँ पर आपको फायदा मिलता है, इसमें क्या है रिस्क भी होता है लेकिन फायदा भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई 3,08,655 रुपीज, इतना अमाउंट आपका बना, जैसे कि आपने देखा 3,08,655 अमाउंट आपका बना 5 ईयर्स के बाद, और वहां पर भाई कितना बनना था मंथली अगर आप पे कर रहे थे, लेकिन कर क्या रहे थे वो उतने ही पैसे पे कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे मंथली कर रहे थे, ठीक है। अब यहां पर क्या आपने डायरेक्टली भाई एक दिन में डाल दिया अमाउंट, एक दिन में अगर आप अमाउंट डालोगे, ठीक है, उसके बाद में क्या है जो अमाउंट आपका निकल के आएगा वो 3 लाख से ऊपर निकल के आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा इतना अमाउंट निकल के आएगा। इसमें क्या होता है कि रिस्क ज्यादा हो जाता है कि अगर बाई चांस मान लो कंपनी डूब गई, गवर्नमेंट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है 4-5 साल बाद चेंज होती है, ठीक, अब 5 साल बाद जब उसका भाई चेंज हुआ, अब जैसा मान लीजिए गवर्नमेंट जो भी चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अगर वो मान लो नहीं मतलब फाइनल तक मतलब नहीं जीत पाई, ठीक है, कुछ भी भाई ठंडा हो गया नहीं जीत पाई, दूसरी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो वहां पर क्या है स्टॉक मार्केट भाई बिल्कुल चेंज हो जाता है, स्टॉक मार्केट का रिजल्ट उसका ग्राफ आप देखोगे ना बिल्कुल आपको चेंज मिलेगा अगले दिन, जिस दिन भाई साहब वो जीता है ना, ठीक है, जो भी नया भाई गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट जो आई है, ठीक है, उसके आने से आपके इस ग्राफ पर भाई ऊंच नीच दिख जाएगी आपके लिए खुद। म्यूचुअल फंड में क्या है इसमें जो मार्केट है इस मार्केट में ग्राफ जरूर हिल जाएंगे, या तो डाउन जाएगा या तो अप जाएगा, अप तो वैसे ज्यादातर जाता नहीं है, डाउन ही देखा है, आप देख सकते हो भाई ये जो 5 से 6 साल का पीछे मतलब 7 साल का रिजल्ट देख लेना आप, ठीक है, जहां पर भी आई गवर्नमेंट आई है ना, ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुई है उसको आप चेक करिएगा, अभी तो चेंज हुई नहीं है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे पहले जितने भी रिजल्ट है ना उसमें आप देखिएगा जहां पर भाई गवर्नमेंट चेंज हुई है वहां पर रिजल्ट डाउन ही गया, और कहीं कहीं भाई अप भी जा सकता है, अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहती तो आप लगाते रहिए पैसे क्योंकि मार्केट अप ही जाने वाली है, जैसे कि अभी अभी फरवरी में भाई डाउन हो गया था भाई, कुछ ना कुछ मतलब
पूरा होगा, उसकी वजह से क्या है मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया फरवरी में। कभी कभी इन केस हो जाता है, वैसे ज्यादातर भाई रिस्क रहता है भाई, इसको ध्यान से करिएगा है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ आप इसको मतलब लगाइए अपने भाई, अगर आपका पैसा फालतू पड़ा है लाखों करोड़ों रुपए अगर आपके पास फालतू पड़ा है तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपकी मर्जी है तो लगाइए, ये नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप लगाइए लगाइए ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, जैसे कि मैंने आपको कराया ये दोस्तों SIP मैंने इसकी निकाल दी, इस तरीके से आप इसमें अमाउंट डाल सकते हो ठीक है, इस तरीके से आप इसकी SIP निकाल सकते हो। अब देखो वन टाइम की जैसे मैंने आपको लगा के दिखाई, वन टाइम में रिस्क भी ज्यादा है ठीक है और वन टाइम अमाउंट भी ज्यादा मिल रहा है, निकल गए तो भाई एकदम राजा बन गए, और नहीं निकल पाए तो गाड़ी घाटे में गई। ये चीज है, ये रिस्क है, तो इस चीज को ध्यान से लगाइएगा। और म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड जैसे मान लो जिनको भाई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, वो लोग म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं ठीक है। म्यूचुअल फंड के द्वारा आपने क्या है भाई, म्यूचुअल फंड में जो भाई प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं वही लोग बैठे होते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप बेधड़क होकर लगाइए ठीक है, ज्यादातर भाई उसमें रिजल्ट डाउन नहीं है, ज्यादातर मैं अपने हिसाब से बताऊं रिजल्ट ज्यादातर उसके डाउन नहीं गए हैं, कुछ रिजल्ट भाई डाउन जाते हैं भाई, इतना तो वो नहीं है कि हाँ भाई इंसान ही तो है, उसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है ठीक है, गलत कंपनी चूज कर लेते हैं। और जैसे कि आप मान लीजिए एक ही कंपनी मत लगाइए, बहुत सारी कंपनी है जिसके रिजल्ट इसका बैकअप अच्छा है ना, उसका भाई आप ट्राई करके देखिए ठीक है, इसका बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है उसको आप ट्राई करिए अच्छी तरीके से। तो ये है भाई SIP कैलकुलेशन भाई, इस तरीके से आप SIP कैलकुलेट कर सकते हो। और ओवरऑल भाई जितना भी भाई मुझको भाई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में आप बताते जाओ कि जो जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे। तो चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको SIP कैलकुलेट करनी है। सो मिलते हैं ऐसे वीडियोस के साथ में, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, फैला दीजिए हर जगह। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।